और गाइज मैं एक खास चीज आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी एक कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा बचपन की, कि ये ऐसा एक चीज है जो कि अब तो गिर चुका है, देखिए चारों तरफ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे और खुश भी होंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और गाइज मैं आज आप बता दूं, आज जो मेरा दिन है आज शुरू होने वाला है बछिया के साथ, मेरी प्यारी कल्ली के साथ। तो कल्ली क्या कर रही है आज, अपना चारा चर रही है, चारा नहीं पैरा है सॉरी। तो कल्ली रानी, तो गाइज आज मैं बता दूं, आज मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो मैंने अभी तक कभी नहीं किया है, और मैं आपको कुछ ऐसा भी दिखाने वाला हूँ आज जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार गाइज, और आपको भी पसंद ही आएगा मेरा विश्वास है। तो गाइज आज मैं आपको एक नए स्थान की यात्रा कराऊंगा, नए स्थान को दिखाऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई वहाँ पर। और आज मैं आपके साथ मेरे दोस्त परिवार के बारे में भी कुछ यादगार पलों को भी साझा करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, फिलहाल तो अभी हम बछिया के साथ हैं और हमारी बछिया रानी क्या कर रही है, चलिए थोड़ा से बातें करते हैं कुछ। कल्ली रानी, कल्ली रानी क्या चल रही, पैरा खा रही हो, पैरा खा रही हो? बहुत शैतानी बच्ची है हमारी, देखिए कितने जल्दी एक महीने के अंदर ही खाना शुरू कर दी है ये। इन बछियाओं को तो हमको दाल रोटी खिलानी पड़ती थी, दाल रोटी तब जाके खाना सीखे। अब तो ये एक साल की हो चुकी है और इसको हमको कुछ नहीं सिखाना पड़ा है, ना दाल रोटी खिलाना पड़ा है ना कुछ, ये अपने से ही बस इन्हीं के साथ मैंने बांध दिया और ये अपने इनके साथ बंधे बंधे ही सब सीख गई है। क्यों कल्ली रानी, और कल्ली रानी की एक मज़ेदार चीज़ दिखाएं आपको, जब इसके मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो ये कैसे भागती है। क्या कुछ कर रहा हूँ मैं, देख रहे हैं, देख कैसे परेशान हो रही बेचारी। कुछ नहीं होगा, हो गए चलो खा लो खा लो। तो चलते हैं गाइस, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। फिलहाल मैं अपनी बगिया के पास में हूँ, मेरे जो टमाटर हैं दोस्तों ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, कितने बढ़िया हैं गाइज। इस समय पता है क्या है, ये देखिए चूहे पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, ये देखिए इस तरह चूहा जो है तो काट रहे हैं इसको, ये इस तरह, तो मतलब बच ही नहीं रहा, मतलब इसमें पेड़ में लगे लगे इसको ख़त्म कर दिया है ना, तो इस टाइप का हाल है, मतलब पकने नहीं पाते हैं, पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अभी मैं लौट के आऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टमाटर ऐसे भी, चलिए अभी मैं देखता हूँ कुछ। ये देखिए ये लाल, पता नहीं कीड़े लग जा रहे हैं क्या हो रहा है टमाटर में। तो भाई ये बताऊँ, ये मेरी दो लाल टमाटर दिखे हैं, ये भाई देखिए लाल लाल, तो इनको तो तोड़ता हूँ। चलो भाई बच गया ये तो यार गाइज, ये तो बच गया ये हमारा टमाटर, पता नहीं कैसे चूहों की नज़र नहीं लगी इसमें, तो नहीं तो बचता नहीं है। तो भाई आज का तो दिन के लिए, आज के लिए फिलहाल ये टमाटर मिल गए भाई, अपनी बगिया का स्वाद भी अलग ही रहता है। एक बात तो है गाइज, अगर आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत बगिया, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया, मतलब ये चार पाँच पेड़ हैं और इतने बड़े हो गए हैं, फैल गए हैं पूरा चारों तरफ, कि मतलब ये डेली चार पाँच टमाटर तो डेली ही निकल जाते हैं। तो मैं, मुझे बागवानी भी थोड़ा बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मतलब जब आते हैं ना तो पानी वगैरह थोड़ा बहुत अगर कभी कभी तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना मिलता है एक एक बाल्टी ला के डेली डालते रहते हैं। ये तो मेरा इतना हुआ अभी तो बहुत ज़्यादा था थोड़ा बहुत, क्या हमारी गाय छूट जाती हैं कभी कभार तो ये सब ख़त्म कर देती हैं। इधर पालक भी था, पालक था, ये देखिए पालक की वो देखे निकले भी, वो सब चर लेती हैं गाय, इसलिए बच नहीं पाता, नहीं तो थोड़ा बहुत क्योंकि बागवानी हम करते रहते हैं बीच बीच में, कुछ ना कुछ सब्जियां लगाते रहते। पिछले साल तो मैं मतलब वो भी लगाया था आपका, चुकंदर लगाया था, पत्ता गोभी है, मूली है, ये कई सारी चीज़ें लगाए थे, लेकिन हुआ ही नहीं पानी की वजह से। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं जिस जगह की बात कर रहा था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, और ये है वो एरिया, मतलब यहाँ शाम को बहुत ही अच्छा लगता है यार गाइस, मतलब आपको बता दें कि यहाँ पेड़ पौधे हरियाली, और इस जगह पे मतलब पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे पेड़ ही पेड़ हैं हर जगह। और गाइस मैं एक ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी एक कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा बचपन की, कि ये ऐसा एक चीज़ है जो कि अब तो गिर चुका है, देखिए चारों तरफ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पहले दीवार हुआ करती थी, दीवार थी मतलब बहुत, हम लोग हमारे कई दोस्त हुआ करते थे जब, तो हम लोग बचपन में मतलब बहुत खेला करते थे। यहाँ पर होता था एक उसका करौंदा, करौंदा हुआ करता था, बीच में शायद उसका पौधा था, अब तो कट गया, काट दिए हैं शायद उसको अब,
है भी नहीं है, वहीं बीच में उधर ही साइड रहता था। तो हम लोग करौंदा खाने के लिए यहाँ पर मतलब एक प्रकार से होड़ लगी रहती सभी दोस्त जो हम लोग होते थे, तो वो इसके लिए। और यहीं पर खेल भी होता था, एक सोनगाट करके होता है ना खेल, ये जो पेड़ है ना ये बहुत दिनों का है, तो आप तो इसे भी देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोनगाट खेला करते थे। सो और गाइस मैं बता दूं आपको कि ये जो गेम होता था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। मतलब इंटरेस्टिंग ऐसे होता था कि अपन लोग क्या करते थे, लाठी फेंके डंडा और चढ़ जाते थे पेड़ में, जो जिसको पकड़ ले, पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब लोग चढ़ जाते थे ऊपर ऊपर पेड़ में, वो बेचारा चढ़ ही नहीं पाता था। अरे यहीं पर ये देखिए पीछे मतलब ऑफिस तो नहीं कहेंगे, ऑफिस ये है ऑफिस, वो जो रोड के उस पार बनी हुई वो ऑफिस हुआ करती थी। और ये जो है ये है आपका स्टोर रूम, स्टोर रूम मेरे को नाम ही ध्यान नहीं रहता है, तो ये स्टोर रूम, ये देखिए स्टोर शेड क्रमांक 4 लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो मवेशी चल रहे हैं, यहाँ पर भी अपना ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारे मैच हम लोगों ने खेले हैं, और मुझे याद है आज भी कि मैंने 10 रुपये का एक चैलेंज लगाया था, जिसमें पहला मैच तो हार गया मैं, लेकिन मैं दूसरा भी लगाया कि भाई मुझे खेलना है, अपना पैसा तो रिटर्न करना ही है करना। दूसरा मैच में फिर जीत गया था और मेरा पैसा वापस हो गया था। तो ये चीज़ें थी, तो भाई बहुत मज़ा आती थी पहले खेलने में। तो चलिए गाइस ठीक है, आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ नई चीज़ों को दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको भी पसंद आएंगी, मेरे को भी अच्छी लगेंगी। ठीक गाइस।